कि इनकी अपनी वेबसाइट से निकला है कि 1,52,766 केसेस अनट्रेस्ड हैं इनके। आप इनको पैसा देना चाह रहे हैं, ये इनको आपने इनको हमारे हवाले किया हुआ है। ये देखें आप कि एवरेज डॉन अखबार की खबर है कि डेली 200 आदमी सिर्फ लाहौर में लूटा जाता है और एवरेज कोई 200 गाड़ियां चोरी होती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका रिकॉर्ड कह रहा है। जनाब स्पीकर, क्या आपने सिर्फ ये पुलिस रखी थी कि 9 मई के वाकये में बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करके और ये इस करें? ये जनाब, ये एक पुलिस स्टेट बनी हुई है, इसके लिए क्यों ना था कि बेहतर होता कि वजीर मौसूफ इसमें बताते? क्या ये बेहतर नहीं था कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट था? एक हमारे फादर रुकन पर इन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया कि ये फायरिंग करता चला गया, ये तो एक मिनट में ट्रेस हो सकता था। उस बंदे ने जिसने जेल काटी है, जो जेल में गया है, उसका क्या अजाला होगा? जनाब ये पुलिस स्टेट बनी हुई है, आपने मनपसंद ऑफिसर लगाए हुए हैं। ये 85 से शुरू हुआ है, 85 में जब ये आपने डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती कर लिए, जो कुलचे वाला था ग्वाल मंडी का वो भी हो गया, जो बुला बुला आ गया, फिर 88 में भी आ गया। इन्होंने एक प्रिंटिंग मशीन, उनका एप्टीट्यूड नहीं था, आपने उनको रख लिया। इस पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये है कि थाने जो है, मसलन मैं अपने इलाके की बात करता हूं, वहां पर जनाब स्पीकर 3 काम SHO की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते हैं। एक ब्रॉथल तो प्रोस्टिट्यूशन डेन, एक सेल ऑफ लिकर और एक जुआखाना गैम्बलिंग डेन, ये पुलिस की मर्जी के बगैर नहीं होते। हम लोग बेअसर हैं, इस वक्त सड़कों पर लूटे जा रहे हैं, आपको कोई नहीं, मैंने उस वक्त भी बात की तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ा दिया कि मेरे घर में आफ्टर बिकमिंग MPA 2 दफा रॉबरी हुई है और आज तक किसी ने आके नहीं पूछा कि उसका बना क्या है। जनाब स्पीकर, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे आप देना चाहते हैं, हर पुलिस ऑफिसर के पास आप देखेंगे, बेशक बड़ा है छोटा है, एक पुलिस लगाई हुई चोरी की गाड़ी उसके घर होगी। अगर कभी बरामदगी हो जाती है, बरामदगी कहां जाती है? पुलिस की जेब में जाती है। कभी किसी मदेई को इंसाफ मिला है? अगर आप अदालत में चले जाएं तो आपका इनके मुताबिक, पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक आपका कन्विक्शन रेट 3% है। कहां ये प्रॉब्लम आई है? क्यों नहीं इनको सजा होती? वेयर लाइज द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस? तो मेरी गुजारिश है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर पे आपकी तवज्जो नहीं है, जितनी देर आपके मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। जब आप ये 8 फरवरी का इलेक्शन चुराएंगे तो ये रिजल्ट आपके सामने होंगे। आप इनको अगर जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसका कुछ नहीं होगा। अब मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं एजुकेशन की तरफ। ध्यानदारी से जितना हाउस खड़ा है, ये डोर बैंक भी खड़े हैं, ये हाथ उठा के खड़ा कर दें कि इनका किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? करें ना, किसी में जरूरत है तो बताए। जनाब आप बात कर रहे हैं सरकारी स्कूलों की और आप उसमें से पेंशन तनख्वाहें दे रहे हैं और 37 अरब रुपए में पूरे पंजाब का आपने स्कूल चलाने हैं, क्यों नहीं आपके बच्चे पढ़ते? जनाब मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उनको क्यों पढ़ेंगे? तो आपको सोचना चाहिए कि तालीम, मैं जनाब स्पीकर एक दफा लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में गया, सर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, मैं आपसे मुखातब हूं, इसको बेटा बैठ जाए गल कर लंदे। जनाब स्पीकर, हाउस ऑफ कॉमन में क्वेश्चन हुआ था जॉन मेजर को कि योर सन इज हैविंग ए प्राइवेट ट्यूशन, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा यस माय सन इज हैविंग ए प्राइवेट ट्यूशन, आई पे फ्रॉम माय पॉकेट। जवाब आगे से आया था बिकॉज आई कांट अफोर्ड इट, मेरा बच्चे को, देर इज समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम। यही है मेरे कायद इमरान खान ने कहा है कि ये पैसे लगाने से नहीं, निजाम की तब्दीली चाहिए। क्यों नहीं आपका बच्चा पढ़ता है? आपके बच्चे एशन कॉलेज में पढ़ेंगे, घोड़ा गली पढ़ेंगे, लॉरेंस कॉलेज पढ़ेंगे, मगर गरीब का बच्चा वहां पढ़ेगा जहां पर टाट है? हम खुद टाटों में पढ़े हुए हैं, फख्र से महसूस करते हैं, हम बहल लोग हैं, मगर आपका तालीमी निजाम बैठ चुका है। आपने जो पैसे रखे हैं ये नाफी। अब मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं सेहत की तरफ आ जाए। जनाब स्पीकर, जितने ये सरकारी अस्पताल हैं इनकी हालत आप देख लें, आपने रीवैम्पिंग शुरू कर दी, टाइलें लगवा दी। फैसलाबाद जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, जो परवेज अलाई साहब ने बनाया था, हम उनके मशहूर भी हैं, उसमें सबसे अफसोस की बात यह है कि वहां पर आपके पास कोई भी NGO CD नहीं है जहां पर आपकी ये CT स्कैन हो सके NGO। फिर उसके बाद एक डॉक्टर है टोटल सर्जन, उसके रिजल्ट्स भी बड़े पुअर हैं। और आप देखें कि 4-4 साल का आप टाइम दे रहे हैं उनको कि इनका ऑपरेशन हो जाएगा।
जनाब स्पीकर, अगर आपके पास नहीं है तो यहां से लोग जाना नहीं चाहते हैं तो वहां से कोई रख लें। आप देखें कि इस वक्त जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दे आर सॉर्ट ऑफ बुच्चड़खाना भरे हुए हैं। आप किसी ये नेशनल हॉस्पिटल है या डॉक्टर हॉस्पिटल है, आदमी जान सबको प्यारी होती है, तो आप देखें कि आपके सिस्टम में क्या हो रहा है इस वक्त, आप क्या चाह रहे हैं, क्या आप टाइलें लगाने से कर लें, आपको बेसिक दवाई नहीं मिल रही। आप देखें कि आप लोग पीने का पानी नहीं है उसके आपको हेपेटाइटिस हो रहा है, आपके 75% टीबी पेशेंट्स जो है आइडेंटिफाइड नहीं है जनाब स्पीकर। मैं फिगर्स की बात कर रहा हूं, इसके फिगर्स का ये आप में जवाब देंगे जनाब स्पीकर। इस वक्त हालात ये है कि बेसिक हेल्थ यूनिट में जाएं उनकी दीवारें घिरी हुई हैं, उनके अंदर डॉक्टर जाना पसंद नहीं करते। आप जो तो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वही शाम को बैठ जाते हैं, आप कहां से लोग पढ़। मेरे कायद इमरान खान ने क्या खूबसूरत ये कहा था कि इन मुल्क को मैं मोहताजी से जान छुड़ाऊं, उन्होंने आपको हेल्थ कार्ड दिया, हर आदमी ये गरीब आदमी जो भी था ये जाता था अपना इलाज। मैंने खुद करवाया जनाब स्पीकर, मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि मुझे इंश्योर था, मुझे मिला है जनाब स्पीकर। उसके बाद आप आ जाएं इनको छोड़ते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप गारंटी ना बजा दें क्योंकि मुझे इंटरप्ट नहीं करना आपने। उसके बाद मैं आता हूं आपको एग्रीकल्चर की तरफ, सारे यहां पर जिम्मेदार बैठे हैं और सारे बैठे बड़े हंस रहे हैं। जनाब स्पीकर, जो पानी होता है ये मलकियत होती है, जमीन मलकियत नहीं होती, ये मेरे वाले ने मुझे बताया था। इस वक्त खाद का रेट देख लें, डीएपी का देख लें, ऊपर से फसल आई बैठी है, आपने कहां बेचनी है, आपको कोई सिक्योरिटी है। आप देखें कि आपकी जितनी प्राइम लैंड थी, ये जो लैंड डेवलपर्स कहते हैं ना, लैंड डेवलपर्स लैंड माफिया, इन्होंने मेरा मुल्क जो जरई मुल्क था 1947 में जब मेरे बुजुर्ग माइग्रेट करके आधा खानदान शहीद हो गया, हमने पाकिस्तान को ऑप्ट किया, हम आए हैं यहां, हमने फिर जीरो से शुरू किया। उसका नतीजा क्या है कि यहां का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम था, बेस्ट रेलवे सिस्टम था, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम था। अब इंडिया में जाएं अक्रॉस वाघा से आगे पूरा इंडिया को फीड कर रहा है इस पंजाब, और आपका पंजाब देखें, आपने कॉलोनियां ग्रीन इंटू ब्राउन करते जा रहे हैं, कॉलोनियां बन रही हैं, डीएचएस बन रहे हैं, जितने लैंड माफिया है पैसे जोर पर असेंबलियों में भी आ रहे हैं, वजारतें भी ले रहे हैं। ये जनाब स्पीकर, ये आप किस तरफ जा रहे हैं गुजारा, आप सोचें, ये असेंबली से आगे हमने नहीं जाना, आपने जहां हमारे जीते हुए लोगों को अनसीट कर दिया, कोई बात नहीं, हम एक आग का दरिया दूर करके आए हैं और इंशाल्लाह इस पर चलेंगे इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के 6 शहर ऐसे हैं जो जीडीपी ग्रोथ में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं, 5 पंजाब के हैं, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान। आप उनकी हालत देख लें, ट्रांसपोर्ट की हालत देख लें, इस वक्त फैसलाबाद सबसे इंपॉर्टेंट शहर है, वहां पर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। आपने तो बड़ा इजी शुरू कर दिया कि जी यहां पर ये हेलीकॉप्टर सर्विस होनी है, हेलीकॉप्टर सर्विस सर जरूर करें, मगर जो लोग इस वक्त मर रहे हैं, जिनको ये क्या कहते हैं डायलिसिस नहीं हो रहा है, जिनकी नहीं हो रही, उनके लिए भी आप कुछ जनाब स्पीकर सोचें। आप मजदूर को सोशल सिक्योरिटी दें, ये भी इंसान है, मैं मसावात की बात कर रहा हूं। जितनी देर आपके मुआशरे में ये डिस्पैरिटी रहेगी आप कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। आपके फेयर ट्रायल की बात करते हैं, आपके आइन में है यू मस्ट हैव ए फेयर ट्रायल, वो कहां है फेयर ट्रायल? हमारी बच्चियां बहनें ये जेलों में इस वक्त सड़ रही हैं, क्या इमरान खान को आप फेयर ट्रायल दे रहे हैं? ध्यानदारी से बताए नो, आप क्या करते हैं, ही इज ए प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस। उसके लिए अमेरिका में अमेरिकन सदन ने कह दिया है कि जब हम आएंगे तो हम इसको रहा करेंगे, इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा। जनाब मैं नेक्स्ट आता हूं आपके, हां ये रोड्स की तरफ आ जाते हैं। जनाब ये बड़ी बदकिस्मती है, एक ही काम के पैसे जिला कौंसिल ले रही है, उसी काम के पैसे एमपीए ग्रांट से जा रहे हैं, उसी ग्रांट से आपके जा रहे हैं। आपका सूबा ब्लॉक एलिगेशन पे जनाब नहीं चलेगा, आप इस पर बड़ा गौर करें, ये फर्ज पेमेंट जो होती है सारी उस पर हो रही है। जी सर, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आप देखें कि ये जो आप डेवलपमेंट साइट पे पैसे रखते हैं, फॉर एग्जांपल जितना भी रखते हैं उसका 25-30% करप्शन में कमीशन में चले जाता है, क्या उसका आपको तदारक कर रहे हैं? क्योंकि इवन हमने कभी नहीं सुना था कि डीसी का भी कमीशन होता है,
या अब इनको भी अकाउंट्स ऑफिस में ये भी अपना प्रोजेक्ट्स का कमीशन लेते हैं जनाब, रिश्वत की रिसीव नहीं होती मगर जो देता है वो बताता जरूर है, जो ठेकेदार है ना ये सब बता देते हैं, क्योंकि जो देगा वो बताएगा तो सही ना जनाब। आप देख लें, आपका जो सेक्टर है एनवायरमेंट का, एनवायरमेंट के सेक्टर पे आप देखें इस वक्त हालात ये है कि पोल्यूशन बढ़ गई है, सांस की बीमारियां हो रही हैं, आपके दवाइयों का ये है कि आप इस वक्त भी किसी जगह जाएं तो आपको जो है इस वक्त पोल्यूशन का ये हालत है, लोग दमे में मर रहे हैं, लोगों को ये क्या कहती है बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, उस एग्रीकल्चर की आपके सामने हालत है, रोड्स की आपके सामने हालत है, लॉ। अच्छा मुझे ये सर बताएं कि आपने बड़ा अच्छा ये किया कि जी हम एम्बुलेंस क्या छोड़कर हम एयर लिफ्ट करेंगे, बड़ी अच्छी चीज है जनाब। आपके पूरे पंजाब में कोई ट्रॉमा सेंटर्स हैं जहां पर आप इनको मेडिकल कवर दे सकते हैं जनाब? नहीं, पहले एक होता था जनाब, एक बड़ा अच्छा सिस्टम होता था, उसमें पटवारी बेचारा 200-400-500 लेके काम करता था। अब आपने कंप्यूटराइज पटवारी दे दिए हैं, वहां जाए तो 500 वाला काम अब 15,000 में हो रहा है। आप मुझे बताएं कोई काम, इवन इफ हमारे जो डॉक्टर्स हैं, आप जाएं डॉक्टर प्राइवेट भी उसका कहिए हमने दिखाना है, नहीं टाइम नहीं, 3 महीने बाद आ जाएं, तो साथ ही क्या होता है उसके पीए को आप 500 रुपया दें वो दूसरे नंबर पर आपको भेज देता है। हम इतना डीप रूट हो गए हैं करप्शन में, वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट। तो दूसरा उसके बाद जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोशल सिक्योरिटी, सर क्या इन मुलाजमीन को सोशल सिक्योरिटी मिलती है? नहीं। एक गरीब आदमी क्या उसको कानून के मुताबिक तनख्वाह मिल रही है? नहीं जनाब, उसको नहीं मिल रही। अब आप देखें महंगाई की तरफ, आम आदमी मुझे नहीं समझ आता ये हमारे मुलाजमीन है ये कैसा गुजारा करते होंगे। आप बड़े अच्छा किया, ये तनख्वाह नहीं लेनी, भाई तनख्वाह तो ना लो मगर जो आप बेनिफिट्स ले रहे हैं, जो एडिट सहूलतें ले रहे हैं उनको भी काउंट करो, इनका भी ख्याल करें जनाब। उसके बाद मैं आता हूं आपकी तरफ, जी ये एक और अपना यहां पर हो रहा है कि कल का इशू था वो भी मैं बताता हूं। फिर आपका कंपैरिजन, ये सर जनाब स्पीकर सबसे अहम बात है कि ये जो बजट हमने पास करना है ये तो ऑलरेडी आप स्पेंड कर चुके हैं, 9 माह का तो आप स्पेंड कर लें, इस पर सर इन्होंने मोर लगवानी है हमारे से। इनके पास बजट हमेशा आता है, आप बताते हैं ये हम करेंगे। और आप मुझे ये बताएं कि ये जो गैप बिटवीन दी इनकम एंड दी एक्सपेंडिचर है इसको आपने मीटअप कैसे करना है? पंजाब इज फुल ऑफ ऑल रिसोर्सेज, फुल ऑफ ऑल रिसोर्सेज, आप मुझे बताएं कि इन रिसोर्सेज पर आपकी जो है इसको क्या कहते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है उस पर आपने क्या किया है, एंड व्हाट इज योर एक्सपेंडिचर प्लानिंग? आपने ये कर लिया है, आपने ये जो गैप है फेडरल डिविजन पूल से ही पैसे ले लेंगे आपको अपना भी है उसका, आपने सिर्फ 20% आपने शामिल करना है और वो भी गरीब आदमी पर जिसके घर पे अभी बिजली भी नहीं है उसको भी आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा देंगे, उसको भी आप रोड टैक्स लगा देंगे। जनाब आपको इसको वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जो प्रोग्राम था उसके मुताबिक किया जाए। सर देन आई कम टू द पॉइंट सर, ट्रैफिक का सर, सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रैफिक का आ गया है। अगर आज भी आप देखें तो ट्रैफिक जो है ना इज अनकंट्रोलेबल। आपको चाहिए कि अगर ये मैं कहता हूं कि सिर्फ लाहौर की ट्रैफिक 3 महीने में ठीक कर दें तो मैं आई सल्यूट दैम के जी आपने काम किया है, क्योंकि डिसिप्लिन लाना चलानों से सर नहीं काम बनेगा, हार्श पनिशमेंट से नहीं चलेगा। जैसे पुलिस को अब आपने सोफे लगा दिए हैं थानों में मगर उनका माइंडसेट वही है तशद्द पसंद है और वो चाहेंगे, और कोई आदमी अगर उठ के कह दे जितने ही बैठे इस साइड से भी कि हमारा काम पुलिस में है और बगैर पैसे की वजह आई स्टैंड गिल्टी आई फील सॉरी फॉर दैट। मगर आपका जो निजाम ही नहीं चल रहा है तो आप किसके लिए कर रहे हैं? हमारे शहर में कल मेरे हाजी सीला साहब के हलके में हुआ एक बंदा बेचारा बच्चा ज़िबा हो गया है, तो आप जाएंगे घर पे मगर ये जो आज कार्रवाई शुरू की है ये पहले नहीं हो सकती थी, ये जो बसंत का त्यौहार मनाने शुरू किया ये कब से जनाब स्पीकर शुरू हुआ है? जनाब स्पीकर ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, बजाय आप सियासत को जाती तशद्दुद को जाती पुलिस को अपने जाती सरकारी अफसर जनाब या सरकार का होता है या अपनी जात का होता है यही पुलिस होगी। और जब हम हुकूमत में आएंगे ये कहेंगे हम आप बताएं हमने क्या करना, वी आर नॉट रिवेंजफुल पीपल, हम करेंगे हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे और कानून के मुताबिक चलेंगे। मगर जनाब स्पीकर इस वक्त हालात ये हैं कि आपके मुल्क में लोग खुदकशियां कर रहे हैं,
लाकानूनियत बढ़ चुकी है, नशा बढ़ चुका है। जनाब स्पीकर, इस वक्त अगर ये रोज दो दो मन चार चार मन चरस पकड़ते हैं या फ्यून पकड़ते हैं।